कनाडा आने के पांच आसान तरीके कौन से हैं? नंबर वन, कैनेडियन इन्वेस्टर प्रोग्राम। कैनेडियन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम वो है कि जिसमें आपने कभी भी ओवरसीज कोई बिजनेस रन किया हो या आप ओवरसीज कभी आप कोई कारोबार करते हुए, तो इस तरह आप आसानी से कनाडा आ सकते हैं। नंबर फोर इज पीएनपी। पीएनपी प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको किसी भी प्रोविंस से कोई एक ऑफर लेटर चाहिए होता है और इससे आपको आसानी से पीआर मिल जाती है, और इस तरह के लिए आपको क्या है कि किसी ऐसे प्रोविंस जाना होता है जहाँ का पॉपुलेशन कम हो और जहाँ कॉम्पिटिशन भी कम हो, यानी वहाँ का कट ऑफ स्कोर और वहाँ का कॉम्पिटिशन बहुत ही लो हो। तीसरा स्टेप जो है हमारे पास वो ये है कि हम LMIA के तहत आ सकते हैं। LMIA में क्या करना होता है, आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करता है आपके एम्प्लॉयरशिप के लिए। सपोज आप यहाँ किसी कंपनी के थ्रू या किसी ऐसे एम्प्लॉयर के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, वो आपको एक ऑफर लेटर देता है, उस ऑफर लेटर के बेस पे आप यहाँ आ सकते हैं, वो आपको जॉब बेस मंगवाता है, फिर उसी बेसिस पे आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप इसके फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप। फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि आपकी कोई फैमिली मेंबर या आपकी क्लोज फैमिली जो कनाडा में ऑलरेडी सेटल्ड है, कैनेडियन नेशनल है या कैनेडियन पीआर होल्डर है, तो वो आपको आराम से स्पॉन्सर करके आपको कनाडा की सिटीजनशिप या पीआरशिप स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसमें यूजुअली क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, लाइक आपकी फर्स्ट फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ। और नंबर वन और लास्ट स्टेप ये है कि आप एक्सप्रेस एंट्री के तहत आ सकते हैं। और एक्सप्रेस एंट्री इसके आप अपने स्कोर बेस पे, वो स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, आपका एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका ओवरऑल एक्सपोजर, इवन दो अगर आपके पास अच्छे खासे एसेट्स हैं, वो सारी चीज़ें ऐड होती हैं, आपका स्कोर काउंट होता है, और उस बेस पे आप एक्सप्रेस एंट्री के तहत डायरेक्ट पीआर लेके कनाडा आ सकते हैं। तो ये सारे पांच पॉइंट्स हैं जिनकी डिटेल्स हम आगे जाके अपनी वीडियोस में बताते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए। फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब